अगर मेरा एग्जाम नहीं अच्छा गया होता ना तो अभी मैं बहुत गंदे मूड में होती, सड़ी पड़ी रहती। कुछ नहीं हुआ। जल्दी जल्दी लिखा है ना, आगे पूछो। तो डेरिंग है मेरी, देखो कि मैं पढ़ भी रहा हूँ। Recently, my book is awarded for what? For reading this. Recently, which country has changed a word of the Australia anthem? तो अभी ऐसा है कि मैं अपना एग्जाम देके आ गई हूँ। ये मेरा एडमिट कार्ड है। एग्जाम कौन सा था वो मैं बाद में बताऊंगी, बट मैं एग्जाम देके आ गई हूँ और मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम अच्छा गया। ये और अब क्योंकि कल का दिन तो मैं पूरा दिन पढ़ाई में लगी रही, तो आज का दिन हम लोग बहुत धमाल करने वाले हैं। घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे, पूरा दिन यूटिलाइज करने वाली हूँ। मन्नू को तो बिल्कुल भी सोने नहीं देने वाली हूँ। और कल की हमारी फ्लाइट है वापसी की, तो मन्नू बी प्रिपेयर्ड। और ये अभी हम लोग खा रहे हैं कप्पा मेनिया, मैं खा के गई थी, अब वापसी में मन्नू का भी खा रही हूँ। विजिट करने के लिए क्या व्लॉग में तो हो गई हूँ मैं रेडी, और अब हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल। मैं और मनु भी कैट दिस। कल मैं इस व्यू में पूरा दिन पढ़ रही थी और मुझे इतना मनोरथ है यहाँ जाने का, तो आज फाइनली जा रहे हैं। तो जस्ट अभी याद आया कि मैं वापसी के लिए आया नहीं, याद दिलाया कि मैं वापसी के लिए कपड़े लेना भूल गई हूँ, तो अभी वो लेने आए। थोड़ा जल्दी चलो। पकड़ जा, भीड़ गई। तो फ्रेंड्स हम लोग नहा लिए हैं स्विमिंग पूल में, धूप भी बहुत ज्यादा है, तबीयत जरूर खराब होगी, गर्म सर्द हो जाएगा आपको, बट हाँ यार बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत मजा आया, रिलैक्स्ड। अब उन लोग की गलती है ना, ना चेंजिंग रूम है ना कुछ है। देख रहे होंगे कैसे जाहिल लोग हैं, अब बताओ उनके चेंजिंग रूम हो वो जाने। हाय गाइस, ओ ठंडा ठंडी, अब जाके फटाफट नहाना ठीक है। हाँ वो तो हमेशा की तरह ना, उसमें कोई क्वेश्चन है? क्लीन है चलो भाई, रूम क्लीन हो गया। एग्जाम देने गए थे सुबह तो रूम बहुत गंदा करके गए थे, आए तो रूम ऐसा ही मिला, तो अब जाते समय इनको स्पेशल बोल के गए कि भाई रूम ज़रूर साफ कर देना, और बहुत अच्छा लग रहा है क्लीन रूम। और मनु बाथरूम हमेशा की तरह तो ही जाएगा ना। तो फ्रेंड्स हो गई हूँ मैं रेडी, और मन्नू ये रहा, मन्नू ने आज पहनी है बहुत ही खतरनाक सेक्सी सी शर्ट, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मस्त लग रहा है, और मैं भी क्लब जब जाऊंगी तो ब्लैक पे बस मर गई ना, मुझे नहीं करना। चप्पल पहन लिया, गाइस हमने ना ये कार यहाँ पे रेंट पे ले ली थी, कहाँ जूम कार से लिया ना मनु, ये कार हमने जूम कार से रेंट पे ले ली थी, पहले प्लान नहीं था, लेकिन यार कार ना रेंट पे हो तो उसका अपना ही
सुख है। तो अभी हम लोग आए हैं सर, हम लोग जा रहे हैं सैलून। और बेचारा मनु गंदा दिख रहा है, इसको ठीक कराने आए। थोड़ा सा काम आया था मनु को, थोड़ा सा काम आया था तो यहाँ पे मनु को ठीक कराएंगे। सैलून करके बाल खराब हो गए ना, थोड़ा सेट कराने आया बाल। इसी तरह शैम्पू कौन सा दिख गया? मैं ये वाला शैम्पू यूज करती हूँ। घुमा दिए तो ये नहीं, पंजाब में रह गया। हाँ पंजाब में रह गया। और इसके साथ कंडीशनर मिलता है, वो बहुत ऑसम है। कहाँ है ये कंडीशनर? बहुत अच्छा है, आप लोग यूज करके एक बार जरूर देखना, बहुत अच्छा है। वैसे मनु को ठीक कराने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी 10 मिनट वेट करने बोला है। स्पेशल क्लीनिंग सर्विसेस। तो फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग डे फाइनली आ गए, मनु की रिपेयरिंग हो गई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई है मामू, सुबह हो गई है, सुबह हो गई है मामू। और यस्टरडे वी हैड अ ब्लास्ट ऑफ फन, इतना ज्यादा मजा आया। सो फ्रेंड्स, रेडी हो गए हम लोग। उसमें दूध बहुत सारा कलेक्शन हो गया, दूध बहुत सारा कलेक्शन हो गया। अब मनु अंदर कुछ तो नहीं भेजा है क्या? चलो तो फाइनली वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम आवर होटल एसेंशिया लग्जरी। एंड मतलब बहुत अच्छा होटल था, कोई भी इंदौर आए तो बिल्कुल रेकमेंड करती हूँ, ज़रूर इस होटल में आइएगा। इट्स अ न्यू होटल, तो जब नया होटल होता है ना तो उसकी सर्विस, उसकी उसका एम्बियंस और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आप लोग डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करना एक बार। इसको रोबोट चौक बोलते हैं और ट्रैफिक लाइटिंग वगैरह यही हैंडल करता है। हाँ तो आप देखो इसमें अभी टाइम बन के आ रहा है। तो मैं ये चलान भी काटता है क्या? नहीं चलान नहीं काटता है, गुड क्वेश्चन, बट हाँ चलान नहीं काटता है। और ये जो ये देखो आप, इट्स ऑपरेटिंग ऑल्सो बहुत अच्छा है यार। एक ब्लॉगर की लाइफ जो है ना वो बहुत मुश्किल होती है, हार्ड है क्या? जो ब्लॉगर नहीं बना है आप उससे पूछो। मैं बता तो कैसा आप वेरी वेरी डिफिकल्ट डूड, वेरी डिफिकल्ट। तो नाउ वी आर गोइंग टू गिव आवर कार बैक। कार छोड़ने के बाद हम लोग खाना पीना खाएंगे, फिर हम लोग वहां से निकल जाएंगे ओला लेके। एक ओला मन नहीं कर रहा यार जाने का।
यहाँ का फेमस बोल रहे हैं ये है शाही डोडा। शाही डोडा एक ये भी मैं टेस्ट कर रही हूँ, कराची हलवा। लो इस ये कर लो ना पहले टेस्ट। नहीं आप करो ना। क्या बात करो, दिखने में तो टेस्टी था। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। कितना दिन लगा ब्लॉग करते। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने शहर रायपुर। बस अब अपने घर जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पियेंगे। मनु की थोड़ी तबीयत भी खराब लग रही थी। नहीं मेरा तो कुछ नहीं था मेरे को, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। और अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बोल दो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, हमर छत्तीसगढ़ बनिया है एकदम। बाय बोल दो ना यार, बाय बाय, रखता हूँ रखो।